नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। भूपेश बघेल का विवादित बयान, गोमांस बेचने वालों से भाजपा ने लिया 250 करोड़ का चंदा। शक्ति जिला के मालखरोदा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के खिलाफ बड़ा एवं विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दो रंगी झंडा गाय के खून से रंगा हुआ है, क्योंकि भाजपा गोमांस बेचने वालों से चंदा लेती है। शक्ति जिले के दौरे में आए भूपेश बघेल ने आज मालखरोदा में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के पक्ष में जनता से वोट की अपील की है। मालखरोदा की जनसभा में मंच से भूपेश बघेल ने विवादित बयान दिया कि भाजपा का जो दो रंगी झंडा है उसमें गाय का खून टपकता है, क्योंकि भाजपा पार्टी धर्म की बातें करती है, वहीं पार्टी गो हत्यारों और गाय मांस बेचने वालों से 250 करोड़ की चंदा लेती है। छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व में गोठान से गायों का संरक्षण होता था, लेकिन उनको बंद करके अब गायों को ट्रक के माध्यम से हैदराबाद कटिंग के लिए भेजा जाता है, जिसे भाजपा को अब चंदा प्राप्त होता है। निश्चित तौर पर इस बड़े और विवादित बयान से अब कांग्रेस भाजपा के बीच में राजनीतिक गरमाई गई है, क्योंकि भाजपा गाय संरक्षण और धर्म के नाम पर वोट मांगती है और ये एक बड़ा बयान भाजपा को बैकफुट में ला सकती है। इस दौरान मंच से भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे पिछले सरकार कई कार्य एवं योजनाओं को बंद कर दिया है, जो कि राज्य के लोगों के प्रति छलावा है। केंद्र सरकार के खिलाफ कटाक्ष करते हुए कहा कि इनको 10 साल का समय दिया है, अब बदलाव की जरूरत है। जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर महेंद्र परेट की रिपोर्ट। वैसी ही आज चंद्रपुर महाद और मालखरोदा में जबरदस्त उत्साह के साथ दर्शन गर्मी भी आम जनता को सभा स्थल में आने से नहीं रोक पाई, और जबरदस्त उत्साह चाहे महिला हो चाहे नौजवान हो चाहे हमारे बड़ी बहन सब लोगों की उपस्थिति आज जायक कि ऐसी एरिया यहाँ पर जन्म मुझे आप बीजेपी गाय मांस बेचने वालों से चंदा लेती है आपका? हाँ, मेरा आरोप नहीं भैया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सूची जारी की है और जो हैदराबाद की कंपनी से उन्होंने जो चंदा लिया है उसको आप देख लें। ये तो ऐसा है कि छोटी छोटी बात पे दिन दिन भर डिबेट चलता है टीवी में, लेकिन इतनी बड़ी खुलासा के बाद भी किसी नेशनल टीवी चैनल में कोई बहस नहीं हुई। इतना दबा हुआ है, इतना डरा हुआ है, ये दुर्भाग्यजनक बात है। भाजपा के झंडे पर आपने खून डाल दिया है, गौ मास के पैसे से उसी की चंदा लेके तो बनाया है झंडा, और किससे बना है? जो सट्टा वाले हैं उससे लिए हैं, और जो गौ मास निर्यातक उससे लिए हैं, खपत है ना उसमें। साझा विधायक किशोर साहू लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भूपेश सरकार में मेरे को न्याय नहीं मिला। भैया 227 दिन हो गया कोर्ट गए, कोर्ट में उसको फुर्सत नहीं मिली अपने बेटे को न्याय दिलाने की, क्यों न्यायालय नहीं जा रहा है? ये खबर छपी थी 227 दिन हो गया है, उसको कई बार नोटिस हुआ है और वो गवाही देने अब कोर्ट नहीं जा रहे हैं, न्यायालय से बड़े हो गए हैं। उनको अपने बेटे के किसी भी बेटे की मौत हो उसको दुख होता है, उतना साधराम यादव साहब क्यों नहीं गए? उसकी वो भी किसी का बेटा है, उसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? और आज अकेले कवर्धा जिले जो गृह मंत्री की जिला है वहाँ 16 से अधिक हत्याएं हो गई है ना, बलात्कार हो गए। कांग्रेस ईश्वर साहू जी इसके बारे में बोलना चाहिए। जानकी लोकसभा लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं और हो रहे हैं, इसके लिए ऐसा है ईडी आईटी के दबाव में यार, तो बड़े बड़े नेता दूसरे पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। यहाँ तो रोज ये जो वित्त मंत्री है और कुछ लोग उसके चुनिया लोग हैं वो धमकी दे रहे हैं कि सरपंच को धारा 40 की नोटिस दे रहे हैं, कोई क्रेशर चला रहा है उसको धमकी दे रहे हैं, किसी और धमकी दे के सब